एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो हम कहाँ जा रहे हैं आज? बुआ के घर। किस लिए? पता नहीं। बर्थडे है भाइयों का, दोनों का। और जैसे सबको पता है कि एक ड्रेस भाइयों का बर्थडे है। अरे भगवान, ये पार्टी लेने वाले भी नालायक है। बोलू भाई का बर्थडे आज? बहुत ठीक है। अच्छा ठीक है सोनी, मैं ध्यान रखूंगी तुम्हारे बर्थडे तो याद रखूंगी। लग रहा तुम फैमिली ज्यादा ही बिजी होगी। लेकिन अगर नंबर ना है ना नव्या, दोनों तरफ से पीटूंगी। आशा ने जबकि दो तीन पहले से ही कह रही है लेकिन आशा भी भूल गई समय का ऐसा काम। तो मतलब सबको पता है कि कुछ स्ट्रेस भी हो गई थी, तो इसी वजह से आज हम उसके इसके मौसा जी ना बहुत दिनों से बुलाते थे इन्हें कि यहीं पे आके सेलिब्रेशन किया जाए, लेकिन तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। आज कुछ प्रॉब्लम हुई तो आज सेलिब्रेशन जो होगा आज उसकी मौसी ने हमें इनवाइट किया है इसीलिए स्पेशल, और जो मोमेंट हम वहां पर कैप्चर करेंगे वो आपको शो करेंगे। हाय एवरीवन, पहुंच गए हम कहां? बुआ जी घर। अभी इसके कपड़े चेंज होंगे स्कूल से। राम राम बहन जी। ताई आई आके अभी। अच्छा तो जैसा कि सबको पता है, वैसे तो सेलिब्रेशन मैंने प्री बर्थडे भी प्लान कर लिया था, देवताओं का खाना निकाला था, अपने घर से हर चीज़ मैंने की है, लेकिन एक मतलब दीदी का थोड़ा सा मन था कि बच्चे उनके पास आएं। जिया जी भी पहले बोलते रहते थे कि आ जाएं, तो मैंने सोचा बहुत दिनों से मेरा भी आना नहीं हो पाया था और ये खुशियों का पल, मैं चाहती थी एक नया सेलिब्रेशन उनके यहाँ पर भी छोटी सी खुशियाँ ज़रूर शेयरिंग की जाए। अदरवाइज़ आप सबको पता है कि मैंने पहले बर्थडे प्लान घर पे नाइट सूट भी कर लिया था, अगले दिन बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ भी कर लिया था, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि हम वहाँ सिर्फ केक कट करें, लेकिन केक वगैरह बहुत सारे इनके पास रखे थे, तो फिर मैंने सोचा ये खुशियाँ उनके साथ शेयर करके उनके माहौल को थोड़ा चेंज किया जाए। अदरवाइज़ देखिए सबका अपने अपनी लाइफ शेड्यूल, अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है, सब चाहें तो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहकर किसी की किसी को ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा ही मेरा है। पर मैं हमेशा अपने फैमिली को थोड़ा फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ जब उसे ज़रूरत हो तब। अदरवाइज़ मैंने भी आपने देखा था पूरा प्लान कर चुकी थी, इंजॉय बच्चे कर चुके थे, उसके बाद दीदी को भी थोड़ा सा भी हैप्पी फील कराने के लिए हम उनके पास पहुँच गए थे और थोड़ा सा सेलिब्रेशन केक वहाँ पर कट कर दिया था, क्योंकि दीदी नहीं आएगी और मैं बाहर बुलाती तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए मैं दीदी के पास ही चली गई थी। ये था मेरा फंडा जो मैं इन्जॉयमेंट के लिए छोटे छोटे से मोमेंट ढूंढती हूँ। मैंने अपने छोटे वाले भाई को कहा, वैसे तो हम दोनों बहन भाई हमेशा शेयरिंग करके बाहर निकल जाते हैं, तो मैंने अंशु को भी बुला लिया था और जितने बच्चे हम अलाउड थे मतलब स्कूल से वो सोनी नव्या भी आ गई थी, और फिर सारे मिलकर दीदी हर के यहीं पर हमने छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया विद फैमिली क्रिएटेड। अदरवाइज़ खाना करना यही तो होता है, और उसमें अगर अपने हो तो बहुत मज़े आते। चलिए करते इन्जॉय। भैया का बर्थडे तो हम आए थे बुआ के यहाँ, जैसा कि आपको पता ही है। एक उसको लेके चले, है ना?
होगी बर्थडे सेलिब्रेशन हमारी तैयार और हम आगे छत पे। ये डेकोरेशन बस बच्चों को बुला लेंगे और फिर केक कटिंग की करेंगे तैयारी। और आप भी देखते रहना, यहाँ का व्यू बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। और हाय सुजल, और ये चीज़ ज़रूर बताना आप मुझे, आप ये बात से एग्री करते हैं नहीं करते हैं कि लाइफ में खुद की खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई नो, बट कभी कभी दूसरों के लिए थोड़ा बहुत सोचना ज़रूरी होता है कि मतलब देखिए वो तो बिल्कुल शांत हो गई थी, अब थोड़ी सी खुश होंगी हमारे इस बहाने से। उधर 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 ये है मेरा आज का आउटफिट, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही ईज सा कपड़ा था, बहुत ही फ्री अप फील कर रही थी मैं, और मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। आप भी ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी ड्रेस। सूरज हो गई, हाँ सूरज सॉरी, और यहाँ हो गई हमारी अरेंजमेंट। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखिए दिख रहा है, और हम सब रेडी हो चुके हैं केक कटिंग कराने जा रहे हैं अब से जो सूरज की। और चांद चांद हो रहा क्या, चांद हो रहा और सूरज हो रहा बोट। बर्थडे मनाने के लिए हम बाहर मना सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू मौसी जी। मैं कहीं बर्थडे मनाने के लिए हम बाहर मना सके जाने के लिए, लेकिन हमने सोचा कि मतलब फर्स्ट वो है। ना सही है, सही है, बहुत बढ़िया हुआ कि फैमिली में एक बार थोड़ा सा सही। अभी फर्स्ट बर्थडे जी आज के बाद है, तो कम से कम जो चीज खुशियां अच्छा है, बाहर तो हम जाते ही थोड़ा माइंड चेंज हो जाएगा, एंजॉयमेंट आएगी थोड़ी सी, राइट। तो मेरा डिसीजन सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है। कोई भी जला दे, दो लगा दो, तीन लगा दिया, फिर एक घंटे छोटा, नहीं नहीं सही है, एक दो जैसे भी लगाना चाहिए, चलो दो आ जाओ, दो इसको लगा दो, ये अब हम तीनों हैं। हां दो वाला, एक बुझ गया अपना, ये तो जाएगी, फिर हवा चलेगी ना, चलो अरविंद कहाँ है, अरविंद अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे ना, तो मैजिक कैंडल लेने, नहीं मैजिक कैंडल ना बेटे, मैजिक कैंडल ना, अरविंद आ जा दीदी, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ, चले जाओ आगे, हम तो चल, तू भी चल, भोलू से जो के साथ सब कुछ सारी लो, देख लो मैं कौन सा चक्कू लाई हूँ, आपकी सीट दो रख ले, लो बेटा कोको हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you, Shivam Sujal. Happy birthday to you. Birthday to you. May God bless you. Happy birthday to you. तो फर्स्ट बर्थडे केक जब काटा था इनका रात में भी सुबह में भी, तो देवताओं का निकाला था, इनके मम्मा बाबा का निकाला था, और उसके बाद यहाँ पर मैं ले लूँ, चलो आप जाओ,
हो गया। मैंने हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, ये सब के सब वो वाले हैं जिन्हें बाद में पता लगी है। नहीं नहीं हमारे साथ हाँ हमें पता ही, पहले सुबह से पता ही हमें। ये भाई लोग जो पैसा वैसा कमाने में लग रहे हैं सब। पैसा क्या, पैसा कुछ आता जाता बाद में, पहले फैमिली। ये लो ये लो आता जाता है मेरा, खाली हाथ चाहो तो मेरा सर पे आता तेरा। चलो कुछ तो है, कुछ तो मिला, कुछ तो मिला। अंशिता हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलू हर को। यस बोलू हर को, ले लो भाई। ए तनिषा तांसी कर दो। तो चलिए अब हो गया हमारा जाने का टाइम, और बस अब दीदी बैठी है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, उसी से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि उनका मूड चेंज हो गया। बस अब चलते हैं अपने घर पर और इनकी खुशियों की बातें भी बताएंगे, क्या कहना चाहती हैं सुनिए। और जन्मदिन खूब अच्छा मन गया, गौरव से जल का आ गए हैं तो खूब एंजॉय करा। मतलब और सबसे बड़ी बात, और जो तबियत खराब सी हो रही ना, वो भी थोड़ी सी एनर्जी मिल गई है। ऐसा ही है, एक दूसरे को ना सपोर्ट मिल जाता है, टाइम निकालने से निकलता है। और सबसे बड़ी बात, जन्मदिन के हम क्या प्लान करेंगे बाबा, वो यही होटल है। अब की बात जो हमारा फैमिली होटल है ना, ये है जो हमारे। अच्छा दिल लगा जन्मदिन, बहुत ही बढ़िया लगा, इतना अच्छा लगा कि बाहर से तो सबसे बढ़िया अच्छा लगा। ऊपर का ऐसा हर बार जन्म, ऊपर का खुला फ्लोर आप वीडियो में देखना कैसा लग रहा है, खुला एरिया, हवा ठंडी और एक अच्छे से आता है। बहुत देखा ही होगा दोनों दीदियों का क्या रिएक्शन था, और भाई भी इसमें इंजॉयमेंट में खुश था, और मैं अंशु को लेके आई थी इसीलिए। तो चलिए इस व्लॉग का करेंगे यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक शेयर कमेंट करें, बाय बाय।